हेलो दोस्तों, अभी हम वेस्ट गेट से ताजमहल में एंटर हुए हैं। यहाँ से ताजमहल 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, गाड़ी में भी जा सकते हैं, नहीं तो हम चल के भी जा सकते हैं। ताजमहल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ताजमहल प्यार के प्रतीक और सफ़ेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत है, जिसको शाहजहाँ ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ के याद में बनाए थे। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों से एक है। उस्ताद अहमद लाहौरी आर्किटेक्ट में उस टाइम ताजमहल को बनाने के लिए 3,20,00,000 रुपया लगा था, जो कि आज के टाइम में 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 कारीगर को 22 साल टाइम लगा। ताजमहल को जाने के लिए ऑनलाइन टिकट अवेलेबल है। उसका एंट्री फीस जो है 50 रुपीज़ है। जहाँ पर चेकिंग होती है वहाँ पर वो टिकट दे के आपको अंदर जाने देंगे। ये जो दोनों साइड से आप घर देख रहे हैं, ये शाहजहाँ के टाइम पे मीना बाजार लगता था। अभी 25-30 साल से ये बंद पड़ा है। मुझे लगता है शायद सिक्योरिटी पर्पस के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी चेकिंग है वो पीछे रह गया। कीप डिस्टेंस फ्रॉम मकीज। अरे यार, ये बंदरों ने मेरे को बहुत परेशान किया। मथुरा में चलती ऑटो से मेरा चश्मा खींच के ले गया एक बंदर, फिर मैंने उसको फ्रूटी और एक आदमी को पैसा दे के मेरा चश्मा छुड़वाया। और ये रूम शाहजहाँ के टाइम में कारीगरों के लिए बनाया गया था। टोटल 210 रूम है, जहाँ पे कारीगर लोग खाना खाते थे और रेस्ट लेते थे। यह है ताजमहल का रॉयल गेट। रॉयल गेट मतलब शाही दरवाजा। शाही दरवाजे के ऊपर यहाँ पे 11 डोम है और पीछे की तरफ 11 डोम है। टोटल 22 डोम है, जो ये दिखाता है कि ताजमहल 22 साल में कंप्लीट हुआ था। ये जो सारे फाउंटेन आप देख रहे हैं, ये टोटल 53 फाउंटेन है, जो शाहजहाँ के टाइम में बनाया गया था। और उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, सब चीज़ मैनुअली होता था। मतलब जो वर्कर लोग थे वो यमुना नदी का पानी को चरखा चला के वाटर टैंक में डालते थे, वहाँ से पानी फाउंटेन में आता था।
टोटल 16 गार्डन है, मतलब 16 गार्डन और 53 फाउंटेन, जो ये दिखाता है कि 1653 में ये कंप्लीट हुआ था। पूरा बंदर के पोल्टन है यहाँ पे। ये जो दोनों साइड में बिल्डिंग दिख रही है इसको ड्रम हाउस कहा जाता है। जब शाहजहां एंट्री करते थे उनके लिए यहाँ पे ड्रम बजता था। ताजमहल में जो चारों तरफ चार मीनारे हैं, ये जमीन से पूरा स्ट्रेट नहीं है, वो बाहर की तरफ झुका हुआ है। अगर कभी भारी भूकंप आता है तो ये चार मीनार बाहर की तरफ गिर जाएंगे, मेन बिल्डिंग पे कोई असर नहीं होगा। ताजमहल की इस साइड में एक मस्जिद है और उसकी दूसरी साइड में एक गेस्ट हाउस है और पीछे से यमुना नदी गया है। ताजमहल में यहाँ तक आने के लिए 50 रुपीज़ लगती है और वो व्हाइट मार्बल जो मेसोलियम है उसके अंदर जाने के लिए 250 रुपीज़ लगती है। मेसोलियम के अंदर मुमताज़ और शाहजहां की कब्र है। ऊपर में जो है वो ओरिजिनल वाला नहीं है, ओरिजिनल वाला वो बेसमेंट के नीचे है और वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये यमुना नदी है। यमुना नदी के बिना ताजमहल अधूरा है क्योंकि ये उसको खूबसूरत व्यू देती है। और दूसरी रीजन जो है, ताजमहल के नेम इबनी पेड़ से बनाए गए थे। इबनी पेड़ यमुना नदी के पानी के कांटेक्ट में आके पत्थर जैसा बन जाता है जिसकी वजह से ताजमहल के नेम में स्ट्रांग पकड़ होती है। नदी का उस तरफ एक गार्डन है जिसका नाम है मेहता बाग, वहाँ से ताजमहल का व्यू अच्छा आता है, इसलिए वहाँ पर मूवी शूटिंग होती है, वहाँ से भी ताजमहल का मज़ा ले सकते हैं। ताजमहल के ऊपर ये जो आप खूबसूरत डिजाइन देख रहे हैं ये कोई कलर पेंटिंग नहीं है, ये उस टाइम में बनाई गई प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे एरिक, एमोनाइट, फिरोजा, लिज्वाड़, मूंगा, सोलेमानी, लेसुनिया का इस्तेमाल किया गया है और ये चांदनी रात में बहुत चमकते हैं। क्या असम भी होगा यार उस टाइम। ये था हमारा ताजमहल का फुल टूर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप कभी ताजमहल आएंगे ना, उसकी खूबसूरत नज़ारा आपको दीवाना बना देगा।